छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बजने के बाद चुनावी घमासान जोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां प्रदेश में अपनी अपनी सरकार बनाने में भरसक प्रयास कर रहे हैं। 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में भाजपा कमान संभालने के बाद अब 5 वर्ष से विपक्ष की भूमिका में है, और ऐसे में जनता के बीच भाजपा किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है एवं सत्ता में वापसी के लिए भाजपा की क्या रणनीति रहेगी, ऐसे कुछ मुद्दों पर भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता संजय पांडे ने जगदलपुर में रफ्तार मीडिया के जिला ब्यूरो सुनील शाह के साथ बेबाकी से चर्चा की। भूपेश बघेल के जो 5 साल उसके कुशासन के, अराजकता के, भ्रष्टाचार के, संवेदनहीनता के, और जो जातिवाद की राजनीति इन्होंने जो शुरू की, जो क्षेत्रीयवाद की, उसको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। 5 साल इन्होंने जो वादे किए और उन वादों में एक भी वादा इन्होंने पूरी तरह से पूर्ण नहीं किया। कहीं कुछ वादे किए तो आंशिक रूप से पूर्ण किया, बाकी 32 वादों को तो छुआ तक नहीं। उसको भी लेकर और केंद्र में जो मोदी जी की सरकार, 9 वर्ष की सरकार केंद्र में जो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, उन सारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और जनता आप देख रहे हैं, हमारे सारे प्रत्याशी, प्रदेश के सारे प्रत्याशियों के साथ में जनता अपना खुले दिल से उनका स्वागत कर रही है और उनको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। देखिए, 15 वर्ष बनाम कांग्रेस के 5 वर्ष, उसी को हम जनता के बीच में फोकस कर रहे हैं। केंद्र के 9 वर्ष के कार्यकाल, डॉक्टर रमन सिंह का 15 वर्ष का काम। देखिए, जनता ने भाजपा को नहीं नकारा, जनता कांग्रेस के थोथे जो घोषणा पत्र थे उसमें भरोसा कर ली। उस एक प्रकार से देखा जाए तो उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा कांग्रेस ने किया, और इसलिए जनता ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी, उसे बदल के एक बड़ा जनादेश उनको दिया। परंतु आप देखिए कि जनादेश में आने के बाद इन्होंने जो कर्जा माफी भी किया, वो भी आंशिक रूप से किया। आज भी अनेकों कर्जदार है जो 5 साल से 2 साल का बोनस देने का वादा किया था, 2 साल का बोनस नहीं दिया। देखिए, आप 2500 रुपए का वादा किए, परंतु किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। आपने गिरदावरी के नाम से उनका 10 से 15% खेत काट दिया, उनके पूरे उपज को नहीं खरीदा। आप एक एक अन्न, एक एक धान का दाना खरीदेंगे उसकी बात किया, परंतु आपने धान खरीदने की तिथि भी कम कर दी। लोगों को बारदाने के लिए तरसाया, तो जो बड़ा बात है 2500 रुपए का करते हैं उसमें भी आप सफल नहीं रहे। आपने पूर्ण शराबबंदी की बात की, शराबबंदी की बात तो छोड़ दीजिए। कवासी लख में इनके मिनिस्टर हैं, वो आप देखिए बस्तर में आके बोलते हैं कि मेरे जिंदा रहते रहते शराबबंदी नहीं होगी। तो कांग्रेस के कथनी और करनी में गंगा जल लेके इन्होंने कसम खाया था। आज वो मंत्री जो है शराब पीते हुए अपने फोटो वायरल कराते हैं, अपने बीड़ी के गुलछर्रे उड़ाते हुए फोटो वायरल कराते हैं। जनता में किस प्रकार का संदेश सरकार देना चाहती है, आप देख लीजिए। बेमेतरा में जो घटना हुई, जो कवर्धा में घटना हुई, जो साजा में घटना हुई, जो भिलाई में प्रकार से हिंदुओं की किलिंग की जा रही है, वो भी एक बड़ा वातावरण है प्रदेश में। धर्मांतरण जिस प्रकार से बस्तर में और जसपुर में और सरगुजा जिले में इन्होंने किया, बड़े पैमाने पे चल रहा है, इतने चर्च बन रहे हैं। धर्मांतरण अवैध ढंग से होकर भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है और करती रही है और आज भी कर रही है। आपने कहा कि हम स्व सहायता समूह का कर्ज माफ करेंगे, आपने किसी भी स्व सहायता, बल्कि उनका काम रेडी टू ईट जो उनको मिलता था वो छीन लिया। आपने कहा बिजली हाफ हुई नहीं, आपने कहा संपत्ति कर माफ हुई नहीं, आपने कहा 4 सिलेंडर हम महिलाओं को मुफ्त में देंगे, आपने 1 सिलेंडर भी उनको मुफ्त में नहीं दिया। तो आपने जितने वादा किए उन, आप आज नरवा गरवा घुरवा के नाम से आपने 500 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट खर्च किया। आज उस नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बोलते रहे, परंतु आज ना मुख्यमंत्री ना कांग्रेस का कोई नेता नरवा गरवा की बाड़ी के नाम से वोट मांग रहा है, ना गोठान के नाम से वोट मांग रहा है, ना गोबर के नाम से वोट मांग रहा है। जितना चीज आपने जनता को बताया, रोका छेका दुनिया भर, उसके नाम से अभी वोट नहीं मांग रहे। अभी वोट किस नाम से मांग रहे हैं? अब बोल रहे हम कर्जा फिर से माफ करेंगे, हम 7.5-17 लाख मकान देंगे। 16 लाख लोगों का मकान से वंचित करने के बाद, 16 लाख तो 2 साल पुराना आंकड़ा है, आज वो आंकड़ा बढ़कर 25-30 लाख लोगों का हो गया है। आप उनको प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर दिया, आप किस मुंह से उनको बोलते हैं कि हम 17 लाख माफ करेंगे? तो जो काम इन्होंने किया उसके नाम से वोट अब नहीं मांग रहे। अब नए घोषणा करके लोगों को सोचने की अब फिर से लोगों के ऊपर भरोसा होगा। भरोसा जब एक बार लोगों का टूट जाता है तो हमें सगले टूट जाता है। देखिए, मैंने बताया कि कांग्रेस के जो अराजकता और भ्रष्टाचार, आज ईडी के छापे जगह जगह पड़ रहे हैं। इस प्रदेश की जो सबसे बड़ी ईओडब्ल्यू जो संस्था है जिसमें भ्रष्टाचार का जांच होना चाहिए, उसने पूरे 5 साल सिर्फ वो मुकेश
गुप्ता जी और जीपी जो सरदार जी हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई किया, इसके अलावा एक भी भ्रष्टाचार का केस आपने किया नहीं, ईओडब्ल्यू ने किया नहीं। हर तरफ निराशा है, गोठान के नाम से 1300 करोड़ रुपए खा गए, आप गोबर के नाम से 300 करोड़ खा गए, आप शराबबंदी के नाम से 2000 करोड़ खा गए, आप नरवा गरवा घुड़वा के नाम से नरेगा का पैसा लगा के उसको पूरा खा गए। तो जो भ्रष्टाचार आपने किया, आज कांग्रेस का जो नेता जो 5 साल पहले क्या स्थिति थी, आज उसकी क्या, आज उसकी चमचमाती गाड़ियां करोड़ों रुपए के स्वामी हो गए, उसको भी जनता देख रही है। इस नाम पे भी हम लोगों को, लोग अपने आप जागृत हैं, और जो विपक्ष की भूमिका है, लगातार विपक्ष का हमने आंदोलन किया, आंदोलन के माध्यम से जनता में पूरा ये संदेश गया कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, और इसलिए आज परिवर्तन का वातावरण बन गया है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे मतों से बहुमत से बन रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक सवाल है तो मुझे लगता है कि 75 के आसपास जो 2018 में उसका ठीक विपरीत, अब भारतीय जनता पार्टी 75 पार करने वाली है। उत्तर में तो पूरी तरह से हवा भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में चली रही है, 12 में 12 सीट जीतने का अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यही अनुमान पूरे छत्तीसगढ़ में भी होगा, और बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है।